आप सबको मेरा नमस्ते आ, ये सेशन में मैं आपको आ, दो ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ पहला वाला ट्यूटोरियल है वो है आपकी पर्सनल हाइजीन मतलब यू नो आ, हाथ कैसे स्वच्छ करने हैं जब भी आप बच्चे के लिए खाना बना रहे हो तो कैसे आपको स्वच्छता रखनी है यू you नो know, तो वो पर्सनल हाइजीन पे हम लोगों ने बहुत अच्छा सा टोटल दिखाया हुआ है बहुत महत्व का है आ, अगर बच्चे को जुलाब हो गया बच्चे को कुछ बीमारी लग गई यू नो तो फिर उसको कुपोषण में वो जा सकता है बच्चा ठीक है तो वो कुपोषण में ना जाए उसको जो लाभ ना हो इसके लिए ये ट्यूटोरियल आपको देखना बहुत ज़रूरी है और माँ का माँ को भी समझाना है फैमिली को समझाना है आ, दूसरा जो ट्यूटोरियल है वो है आ, स्टोरेज स्टोरेज मतलब आपको कैसे संग्रह करना है खाना कैसे पकाना है वो तो ठीक है लेकिन वो पका के कैसे उसको संग्रह करना है कैसे बच्चे को देना है तो वो टुटोल भी बहुत ही महत्वपूर्ण का है कि बहुत टाइम क्या होता है कि अगर हमने ठीक तरह से पकाया नहीं ठीक तरह से उसको संग्रह नहीं किया तो फिर वो आ, उसमें इन्फेक्शन होने के चांस बहुत ज़्यादा है ठीक है तो ये दोनों टुटोल आपको बहुत बहुत ही पसंद आएंगे धन्यवाद शिशु के खाने को बनाते और संभालते समय खुद की साफ सफाई के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे खुद की साफ सफाई के बारे में शिशु के खाने को बनाते और खिलाते समय खुद की सफाई के लिए बनाए गए दिशा निर्देश पहले समझेंगे शिशु के खाने को बनाने और संभालते समय खुद की सफाई क्यों जरूरी है इस ट्यूटोरियल में शिशु के खाने का मतलब है घर का बना पौष्टिक पूरक आहार ऐसा खाना 6 से 24 महीने के शिशु को स्तनपान के साथ देना चाहिए इस उम्र में शिशुओं की रोग प्रतिरोधक शक्ति बड़े लोगों जैसी नहीं होती उन्हें आसानी से इन्फेक्शन लग सकते हैं और खराब खाना खाने से होने वाली बीमारियां भी अगर सफाई ना रखी तो पूरक आहार से शिशु बीमार हो सकता है इन्फेक्शन हो सकता है जिससे दस्त उल्टी सर्दी खांसी हो सकते हैं इसलिए शिशु का खाना सफाई से पकाएं, संभालें और खिलाएं। अब सीखते हैं शिशु के खाने को बनाते और संभालते हुए खुद की सफाई कैसे रखें शिशु का खाना बनाना खिलाना और संभालना सफाई से करना चाहिए ना खासे ना छीके ना धूम्रपान या बबल गम चबाए ना थूके या इन जगह पर खाएं, ना ही इन जगह पर लंगोट बदले हमेशा साफ कपड़े पहने लंबे बालों को पीछे खींचकर ढक कर रखें नाखून छोटे रखें ताकि वे साफ रहें नेल पॉलिश ना लगाएं ताकि वो खाने में ना गिरे हाथों और उंगलियों में जेवर ना पहने कपड़े और बाकी का सामान शिशु के खाना बनाने और रखने वाली जगह ना रखें खाने और बर्तन पर अपने शरीर पर लगे चोट या घाव ना लगने दें साफ कपड़े या पट्टी से चोट या घाव को ढक कर रखें उस कपड़े या पट्टी को गीला ना होने दें उन्हें रोजाना बदलें, खासकर खाने को छूने से पहले तबीयत खराब हो तो खाने को हाथ ना लगाएं। खाने के ऊपर ना खांसे ना छीके हाथ धोना ही आसान और असरदार तरीका है बीमारी को फैलने से रोकने का इससे बैक्टीरिया से खाने को दूषित करने की संभावना कम हो जाती है हाथ धोने के लिए साबुन इस्तेमाल करें और गुनगुना पानी भी साबुन का झाग बनाने के लिए हाथों को आगे पीछे मले नाखूनों के नीचे और उंगलियों के बीच में भी ऐसा 10 से 15 सेकंड करें धोने के तुरंत बाद हाथों को सुखाएं। साफ कपड़े पर हाथों को सुखाएं। ये जरूरी है कि हाथ एकदम सूखे हों रोज के इस्तेमाल का तौलिया रसोई का कपड़ा या खुद के कपड़े पर हाथ ना सुखाएं बच्चों को भी हाथ धोना सिखाएं उन्हें घुसल खाने या हाथ धोने वाली जगह ले जाएं जब वे हाथ धोएं तब 10 से 15 सेकेंड का गाना गाएं इससे वे 10 से 15 सेकेंड तक हाथों को साबुन से मलने को उत्साहित होंगे एक अच्छा उदाहरण बनाए अपने हाथ भी शिशु के साथ धोएं, धोते हुए उन्हें बताएं कि हाथ धोना क्यों जरूरी है। ये भी जरूरी है कि सही वक्त पर हाथ धोएं, कहीं भी छूने से पहले हाथ अच्छे से धोएं और सुखाएं। शिशु का खाना बनाने और खिलाने से पहले भी खाना बनाते समय कई बार हाथ धोएं। और सुखाएं कभी कभी खाना बनाते या खिलाते समय हम थोड़ी देर रुक जाते हैं ऐसे में हमेशा हाथ धोकर फिर से शुरू करें खाना बनाने के बाद हाथ फिर से धोएं। हाथ धोना जरूरी है कच्चा खाना और कचरा छूने के बाद और शौचालय जाने के बाद नाक साफ करने के बाद धूम्रपान के बाद जानवरों को छूने के बाद बीमार बच्चा या बीमार इंसान को छूने के बाद भी हाथों को धोएं, कानों को छूने के बाद नाक मुंह या शरीर के बाकी अंगों को छूने के बाद भी शिशु की लंगोट जांचने या बदलने के बाद भी खाना बनाते और खिलाते हुए खुद की सफाई पर दिए गए दिशा निर्देशों का पालन करें इन्हीं की तरह शिशु के खाने के बारे में भी दिशा निर्देश बने हैं उनका पालन करें बनाते खिलाते और संभालते समय इन सब के बारे में इसी श्रृंखला के अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हम जुड़ने के लिए धन्यवाद शिशु के खाने को स्वच्छता से बनाने खिलाने और उसके रख रखाव पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे शिशु के खाने को बनाने के सुरक्षा निर्देश जिसमें है खाने को बनाने खिलाने और उसके रख रखाव के बारे में आइए शुरू करते हैं शिशु के खाने को स्वच्छता से बनाना बहुत जरूरी है यह शिशु को खाने से होने वाले इन्फेक्शन से बचाता है खाने को स्वच्छता से बनाने में पहला कदम व्यक्तिगत स्वच्छता है व्यक्तिगत स्वच्छता को इसी श्रृंखला के एक अन्य ट्यूटोरियल में समझाया गया है अगला कदम है साफ सफाई खाना बनाने वाली पूरी जगह को साफ करें बर्तन और काटने के तख्ते को भी साफ करने के लिए साबुन और गर्म पानी का इस्तेमाल करें सामान को इस्तेमाल से पहले और बाद में हमेशा साफ करें कच्चे खाद्य पदार्थों के रख रखाव के बाद भी और पके खाने के संपर्क में आने से पहले भी शिशु का खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाले बर्तन को अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए उन्हें गर्म पानी से अच्छी तरह से धोया जाना चाहिए और फिर उन्हें हवा में सुखाना या साफ कपड़े से पहुँचना चाहिए बर्तनों को हमेशा ढक कर रखना चाहिए खाने की सामग्री को भी अच्छी तरह से साफ किया जाना चाहिए ताजे फलों और सब्जियों को साफ पानी से अच्छे से धोएं। उन्हें छीलने और काटने से पहले धो लें। इससे दूषित पदार्थ परजीवी और कीटनाशक दूर होते हैं मांसाहारी और शाकाहारी खाद्य पदार्थों को काटने के लिए अलग अलग तख्ते का उपयोग करें इसके अलावा कच्चे और पके हुए खानों के लिए अलग अलग बर्तन इस्तेमाल करें इससे मांस और कच्चे खानों के कीटाणु दूसरे खानों में नहीं फैलते रसोई में इस्तेमाल होने वाले किसी भी कपड़े को नियमित अंतराल पर बदलें और धोएं। हानिकारक कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए शिशु के खाने को ठीक से पकाया जाना चाहिए और खिलाने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि खाना पूरी तरह पक गया है खाने को चख कर जाँचे की वह पका है या नहीं साथ ही खाने के कम पके होने के संकेतों को पहचाने ऐसे ही कुछ संकेत हैं मांस का गुलाबी रंग होना शिशु का खाना बनाते समय कुछ सुरक्षा दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए आइए अब बात करेंगे शिशु को खाना खिलाते समय बरतने वाली सावधानियों के बारे में पहला शिशु के कपड़े और बर्तनों को अच्छे से धो लें शिशु के बैठने की जगह खाने की जगह और कुर्सी गीले कपड़े से साफ कर लेनी चाहिए इस्तेमाल से पहले इन्हें सुखा भी लें शिशु को खिलाने से पहले माँ को अपने और शिशु के हाथों को अच्छे से साफ कर लेना चाहिए जो शिशु खुद से खाना खा लेते हैं उन्हें भी अपने हाथ धो लेने चाहिए खिलाने से पहले यह जांचना चाहिए कि खाना कितना गर्म है अपनी हथेली पर थोड़ा सा खाना डालकर जांच सकते हैं कभी कभी बर्तन में रखा हुआ खाना कुछ जगहों पर ज्यादा गर्म हो सकता है इसीलिए खाने को अच्छे से हिला लेना चाहिए शिशु को खाना खिलाने में समय लग सकता है इसीलिए खाना खिलाने वाले बर्तन को ढककर रखा जाना चाहिए ढकने से खाने को धूल और मक्खियों से बचाया जा सकता है खिलाते समय खाने का शिशु के गले में अटकने का खतरा बहुत अधिक होता है इससे बचने के लिए शिशु को सीधा बिठा कर रखे खाते हुए ना ही वो दौड़े ना ही चले जब वह खाना खाए तो उसे अकेला ना छोड़ें। उसे बढ़ावा दें कि वो खाने को धीरे धीरे और अच्छे से चबाकर खाए शिशु को ऐसा कड़क खाना ना दें जो उसके गले में अटक जाए जैसे कि दाने या कच्ची सब्जियों के टुकड़े उसे बोतल से दूध ना दें। अब शिशु के खाने को सफाई से संभाल कर रखने की बात करेंगे सबसे पहला है कि ताजा पका हुआ खाना शिशु के लिए सबसे अच्छा होता है जरूरत के जितना खाने के बाद शिशु की थाली में बचा हुआ खाना फेंक दें। थाली में बचा हुआ खाना शिशु की लार के संपर्क में आ चुका होता है इसमें बैक्टीरिया होंगे शिशु के खाने को फिर से रखने पर यही बैक्टीरिया बढ़ता जाता है पकाने के बाद खाने को अपने हाथों से ना छुएं। खाने को धूल और मक्खियों से बचाने के लिए ढक कर रखें हमेशा सूखी सामग्री और ताजी सामग्री को एक दूसरे से अलग रखें और कच्चे खाने को पके खाने से अलग जगह रखें गर्मी के मौसम में पकाया हुआ खाना एक से दो घंटों से ज्यादा नहीं रखना चाहिए अगर फ्रिज हो तो शिशु के खाने को उसमें संभालकर रखा जा सकता है फ्रिज अच्छी कार्यशील स्थिति में होना चाहिए समय समय पर उसकी सफाई करनी चाहिए खाने को ताजा रखने के लिए फ्रिज का तापमान पाँच डिग्री या उससे कम रहना चाहिए पीने के पानी को धूल से बचाएं और उसमें गिलास डुबाते हुए हाथ न डालें इन दिशा निर्देशों का पालन करना चाहिए खाना पकाते हुए उस खाने को संभाल कर रखते हुए और शिशु को खिलाते हुए पोषक आहार स्वच्छता से खिलाने पर शिशु को तंदुरुस्त बनाता है अगर ऐसे न खिलाया जाए तो शिशु बीमार और कमजोर हो सकता है इसीलिए यह सुनिश्चित करें कि खाना शिशु को नुकसान न पहुंचाए इसी के साथ यह ट्यूटोरियल समाप्त होता है यह स्क्रिप्ट विनय कुमार द्वारा अनुवादित है आईआईटी बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद